अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। ये मेरी वीडियो पहली वीडियो है यूट्यूब की, और अब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया करूँगी, अपलोड किया करूँगी आप लोगों के साथ। ये मेरा रूम है जहाँ से ज़्यादातर व्लॉग्स आपको इसी रूम की मिलेंगी। मैं इसी रूम में रहा करती हूँ। ये मेरा एसी अभी तो फ़िलहाल उतरा हुआ है क्योंकि हमारा रूम घर सभी कुछ रिनोवेट हुआ है। ये मेरा वार्डरोब है जो कि नया बना है, आप देख सकते हैं। ये कलर, ये सनमाइका मैंने खुद ही चूज़ किया है। और ये मेरा दरवाज़ा है रूम का एंट्रेंस। ये मेरा ससुराल है, इस वजह से मैं बाहर से ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकती, अपने रूम से ही ज़्यादातर शूट करूँगी। अच्छा, ये रूम काफ़ी मैसी हुआ हुआ है क्योंकि वे सुबह मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, अब मैं इसे साफ़ करूँगी। अच्छा, ये मेरे रूम का विंडो है, कपड़े भी पसा रही हूँ, कपड़े भी साथ साथ में धुलने को दिए हुए हैं। अच्छा, मैं इसका आफ्टर लुक भी आपको अभी तुरंत शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये रहा मेरे रूम का बिफोर लुक, अब ये रहा मेरा आफ्टर लुक। अच्छा जी, ये मेरे रूम का एंट्रेंस है, और ये मेरा बेड है जिसे मैंने अभी साफ़ कर लिया है। मैं रोज़ इसी तरीके से बेड को मैनेज किया करती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पापा ने मुझे शादी में ड्रेसिंग टेबल दिया था, ये वो पुराना ड्रेसिंग टेबल है, वो मेरे बच्चे का स्टडी टेबल है। उसकी बाइक रखी हुई है जो उसे चाचू ने दिया था। अच्छा, ये मेरा टीवी यूनिट है, इस पर कुछ खिलौने बाबू के रखे हुए हैं, और काफ़ी खिलौने मैंने धोने को दे दिए थे। अच्छा जी, तो बात करते हैं, ये मेरा वार्डरोब है, मैं इसकी भी आपको टूर कराऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा वार्डरोब है, अच्छा तो आप देख सकते हैं ये रूम कैसा लग रहा है साफ़ होने के बाद। अब चलते हैं, ये हमारा विंडो जहाँ पे मैंने बाबू के कुछ खिलौने धोए थे, जैसा मैंने कहा था उन्हें साफ़ करने को दिया था। अब ये सूख रहे हैं थोड़े बहुत, इन्हें भी मैं वॉशिंग मशीन में ही सुखा दिया करती हूँ। अच्छा, ये कुछ प्लांट हैं, ये प्लांट काफ़ी मुरझा गए हैं। अब वैसे तो बारिश की बारिश हो रही थी और अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन जब बारिश होगी तो मैं उसका भी क्लिप शेयर करूँगी। ये मेरे विंडो के बाहर का व्यू है, ये पीछे रोड है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हुआ हुआ है, काफ़ी अच्छा हवा भी चल रहा था। अब जब बारिश होगी तो मैं दिखाऊँगी कि बारिश के बाद कैसा लगता है। जैसा कि मैंने कहा था कि बारिश होने वाली है, और बारिश हुई भी थी। ये देखिए, बारिश हो रही है, और जो भी कपड़े मैंने सूखने को दिए हुए थे वे सारे कपड़े मुझे हटाने पड़ गए क्योंकि बारिश तुरंत ही होने लगी। तो ये सारा व्यू जो है मेरे विंडो के बाहर का है, जो वैसे मैं अपने रूम से ही ले रही हूँ, इसलिए विंडो का ग्रिल भी आ गया है। साथ साथ देखिए, मेरे प्लांट हैं। अच्छा, ये जी मेरे रूम के बाहर का व्यू है, ठीक है। तो ये मेरे पीछे वाली रोड है, काफ़ी गीली है, कुछ लोगों के बाइक वहाँ पर रखे हुए हैं, और लोग अभी आना जाना नहीं कर रहे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, साथ ही साथ हवा भी चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी हवाएं तेज़ हैं, बादल भी बहुत काला हुआ हुआ है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत हवा तेज़ आ रही है और बहुत मज़ा आता है ऐसे मौसम में ना, हमारे अंदर से ना ऐसे वो बच्चों वाली फीलिंग्स आने लगती है कि बस जाएँ और इस बारिश में एकदम भीगने लगे, इंजॉय करें, मस्ती करें। मेरा भी कुछ ऐसा ही मन कर रहा है, पर मैं चाह तो सकती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों से अपने मन की शेयर ज़रूर कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये अब तो अब मैं शाम की वीडियो आपको शेयर करूँगी। अच्छा, ये हम बाहर आए हुए हैं, तो शाम को बाबू ज़िद कर रहा था और उसके पापाओं से और मुझे बाहर लेकर आए हैं। तो ये एक पार्क है जहाँ पर ऐसा कुछ मेला जैसा लगा हुआ है, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बाबू अभी फ़िलहाल इसी में ही खेल रहा है, उसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ट्रैम्पोलिन में जाता है, मिक्की वाला हाउस उसे काफ़ी पसंद है, तो वो खेलता है इसमें। और यही शाम को हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया। वैसे मैं खाना बना चुकी थी, तो यहाँ पे आने के बाद मैं टेंशन फ्री थी कि घर पर खाना बनाना पड़ेगा जाकर, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर तो यहाँ पे रह नहीं सकते ना, और फिर बाबू भी खेलते खेलते पसीने पसीने हो गया है, तो हमें तो अब जाना ही था। उसे ठंड भी लग जाती, मौसम भी थोड़ा ठंडा था। और ये देखिए, सब चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं पे कुछ खाने पीने के तो कहीं पे कोई सामान मिल रही थी, बहुत काफ़ी भीड़ भी थी। अच्छा, ये चप्पल भेज। अच्छा जी, पहले से बाबू ने ये इरेजर और ये एक शार्पनर लिया है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।